बीजू किशु छात्र संघ नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नेशनल जनरल सेक्रेटरी एबीवीपी उमेश दत्त शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दो तीन नारों को इस देश में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ज्ञानशील एकता इस देश के छात्र में हो, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति बने, स्टूडेंट पावर नेशन पावर बने, और आज का छात्र आज का नागरिक की भूमिका में रहे। देश का छात्र जिसके बारे में जिसको सिखाया जाता है कि तू कल अगले कल के तुम नागरिक हो, अगले आने वाले समय में तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। विद्यार्थी परिषद का ये स्पष्ट मत है और इसको स्थापित करने में हम पूरे देश में विद्यार्थी परिषद लगी है कि इस देश का छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। मित्रों, यहाँ जो सब लोग यहाँ छात्र बैठे हैं, आप सब लोगों को और यहाँ उपस्थित 99% लोगों को इस देश में अगले 50 सालों तक रहना है, और ये देश अगले 50 सालों तक हमारे रहने लायक करप्शन फ्री भारत हो, गरीबी फ्री भारत हो, इस देश में शिक्षा सबको सुलभ हो, इस देश में छात्र आगे बढ़े, इसके लिए लगातार संघर्ष करने की जरूरत है। और आज जो देश में वातावरण है, जो करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चली है, चाहे वो वुमेन सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो दिल्ली के साथ पूरे देश में मूवमेंट हुई है, आज इस देश का छात्र उठ खड़ा हुआ है। और जो राहुल जी ने प्रयास शुरू किया है, उस राहुल जी के प्रयास के साथ साथ इस देश के हर फील्ड में, इस देश समाज के हर क्षेत्र में लीडरशिप की जरूरत है। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ देश समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में छात्र लीडरशिप दे। और उसी का प्रयास जो राहुल जी ने शुरू किया है, उसको एक बार सल्यूट करते हुए आगे आने वाले समय में ये प्रयास इस देश की सड़कों से होता हुआ देश की संसद तक पहुंचेगा, यही आशा आप सब लोगों के बीच में आज रखता हूं। धन्यवाद।